हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स, और चैप्टर है वो है हम लोग का चैप्टर वन। तो देखिए, चैप्टर वन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। चैप्टर वन में हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन में आज जो हम लोग को पढ़ेंगे वो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, यानी कि जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा कि पोल पे अगर वस्तु है तो कहाँ बनेगा, अगर अनंत पे है वस्तु तो कहाँ बनेगा, अगर पोल और सेंटर के बीच में है तो कहाँ बनेगा, तब आपको उसमें ये जो छह हम लोग यहाँ पे परिभाषा देखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग का पार्ट आज फोर है। इससे पहले जो थ्री तक था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि तीन जो था गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा वो हम लोग देख लिए हैं। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। दर्पण का ध्रुव को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पोल से, और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से, यानी कि सेंटर होता है, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जो कि अगर हम लोग उसको इमेज में लिखते नहीं हैं, सिर्फ हम लोग उसे मानते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष हम लोग कहते किसको है, किसको हो सकता है डेफिनेशन, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, जो कि सेंटर हम लोग जिसे बोलते हैं, जो किसी खोखले गोले का भाग में स्थित होता है। वक्रता केंद्र को यहाँ पे होगा मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। हम लोग देख लिए कि मुख्य अक्ष हम लोग किसे कहते हैं, यही आपका डिफिनेशन हो सकता है एक सिंपल सा लैंग्वेज में, यानी कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी कि इसको हम लोग इमेज के जरिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना होगा। तो ये क्या है, दर्पण है। किस टाइप का है, तो अवतल दर्पण है, पीछे से कलाई किया हुआ, यानी कि पेंट किया हुआ है। तो ये क्या है, किसी खोखले गोले का भाग है, इसको हम लोग यहाँ पे पी मान लेते हैं, क्योंकि इसके प्रवर्तक सतह पे ही पी यानी कि फोर होता है। फिर बीच में, यानी कि ये क्या है, किसी गोले का भाग है, तो जिस अगर इसको हम लोग राउंड करेंगे तो कैसा होगा, गोल बनेगा। तो गोल का जो बीच में है पॉइंट आपका, वही तो सेंटर है, यानी कि ये आपका सेंटर हो जाएगा। आपको एक अंदाजा के जरिए आपको इसमें लगाना है। फिर यहाँ पे कैपिटल वाले आर होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या, जो कि हम लोग सिर्फ मानते हैं, लिखते हम लोग इसे नहीं है। तो सी और पी को जो मिला रही है, मिलाने वाली रेखा, तो सी मतलब सेंटर और पी मतलब पोल यानी कि ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को, यानी कि दर्पण का ध्रुव दर्पणी में तो स्थित है, तो ध्रुव को यानी कि पोल को जो मिला रही है वो रेखा कहाँ है, तो यही रेखा तो मिला रही है इन दोनों को, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये तो हम लोग देख लिया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है भाई, तो उत्तल दर्पण इसका अपोजिट होता है, यानी कि अगर प्रवर्तक सतह इसका ऐसा है, इसका प्रवर्तक सतह ऐसा होता है, यहाँ पे पोल हो गया, फिर यहाँ पे सेंटर हो गया। इन लोग दोनों को जो मिला रही है रेखा वो ये रेखा, यानी कि ये आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम लोग फोर तक देख लिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा था वो हम लोग चार को देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो पांचवा आपका है। पांचवा कौन सा है, चलिए हम
हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य फोकस हम लोग किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषा होता है दर्पण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष यानी कि हम लोग जो अभी तुरंत पढ़े हैं जस्ट इससे पहले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, या फिर आप बाद भी लिख सकते हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हमें सिर्फ लगता है कि ये मिल रही है बट वास्तव में वो नहीं मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो मुख्य फोकस है। तो चलिए इसको हम लोग इमेज के जरिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक अवतल लेटर बना दीजिए, ये क्या अवतल दर्पण है। तो आप लोग इसको मैं गौर से देखिए, परिभाषा क्या लिखा हुआ, दर्पण के मुख्य अक्ष, यानी कि ये क्या है, और यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे सेंटर हो गया, मुख्य अक्ष इसमें कौन है। अभी तो हम लोग जाने कि जो दर ये पोल और वक्रता केंद्र को मिला रहा हो, तो ये मिला रहा है, यानी कि ये आपका मुख्य अक्ष हुआ। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इधर कोई वस्तु रखा हुआ है, सपोज जगह आपको मानना है, ठीक है, वस्तु रखा हुआ है, तो इससे टकराव के कोई लाइट क्या आ रही है कि इसके समांतर आ रही है, यानी कि एकदम सामने आ रही है ऐसे, ठीक है, क्या है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यानी कि एकदम सामने से आ रही है, इधर से भी आ रही है और नीचे से भी आ रही है। मुख्य अक्ष यही तो है और इसी के अगल बगल यानी कि इर्द गिर्द से तो आ रहा है, तो कहाँ से टकराएगी, और फिर यहाँ पे फोकस होता है, फोकस ही तो मेन होता है, ठीक है, आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है आई, ठीक है, और यहाँ से टकराई और टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस जो है ना एफ जिसे हम लोग प्रदर्शित किए हैं, यही से ऐसे आकर के ऐसे गुजरता है, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये भी कहेगा कि भैया हम भी आएंगे, फिर ये भी कहेगा कि हम भी आएंगे, और यहाँ से ये भी कहेगा, यानी कि अवतल दर्पण में तो हम लोग देख लिए कि मुख्य फोकस कैसे होता है, बट अब हम लोग इसमें देखेंगे तो उत्तल दर्पण में भी आपका मुख्य फोकस ऐसा ही होता है बट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये सब जो इधर से हो रहा है, जो उसमें क्या होता है कि जो ये सब हो रहा है जो इसके बैक साइड यानी कि इधर की तरफ, तो चलिए ये तो आपका 5 तक रहा मुख्य फोकस तक, बट आगे अब हम देख लेते हैं 6 वाला, कि 6 वाला क्या है, तो 6 वाला है हम लोग का, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फोकस दूरी लास्ट जो क्या आपका बचा हुआ है वो क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम लोग देख लेते हैं कि कहते हैं किसको है, तो इसका डिफिनेशन हो सकता है दर्पण से
फोकस, जो कि अभी इससे पहले जो हम लोग पांच में पढ़े थे उसमें तो हम लोग देखे एफ, जिसे सिर्फ एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। दर्पण से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इमेज के जरिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये है एक अवतल दर्पण, हल्का टेढ़ा बन गया है, आप लोग सही से बना लीजिएगा। यहाँ पे ये पोल है और यहाँ पे ये सेंटर और यहाँ पे एफ, यानी कि फोकस है जो स्थित है, फोकस है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई वो क्या कहा, फोकस दूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा था वो हम लोग देख चुके हैं, बट अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा पार्ट 5 में। तो हम लोग अगले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।